नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बॉइलिंग। साढ़े पास दो टाइप की बॉइलिंग है, वन इज पूल बॉइलिंग एंड सेकेंड इज योर फ्लो बॉइलिंग है, इसमें असं कहते हैं फोर्स्ड कन्वैक्शन बॉइलिंग। पहला असं स्टडी करते हैं पूल बॉइलिंग। सपोज करो साढ़े पास एक कंटेनर है एंड इस कंटेनर के विच साढ़े को की है लिक्विड है और इस कंटेनर नू असं नीचे तो हीटिंग दे रहे हैं। हुण जो असं इस लिक्विड नू नीचे तो हीट दे रहे हैं तो जिहड़े साडा लिक्विड इस हीटिंग सरफेस के कंटैक्ट के विच हीटअप होकर की है वेपर बबल वेपर्स बनाएगा, वेपर के बबल्स बनेंगे। हुण इस दे विच की है कि जिहड़ा साडा वेपर्स के बबल्स बने हैं उन्हां बबल्स की है डेंसिटी घट गई है और उपर की है बबल्स उपर की लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, नीचे वेपर बबल्स की डेंसिटी घट है। तो इन्हों की टेंडेंसी होंगी है कि एक बेसिकली बॉइंट फोर्सेस एक्ट कर दिया ने, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉइंट फोर्सेस नैचुरल कन्वैक्शन सैटअप हो जाता है ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी डिफरेंस सैटअप बिटवीन द इन द कंटेनर। तो इसकी वजह न की है कि जो मोशन ऑफ फ्लूइड है वो नैचुरल कन्वैक्शन की वजह न होंगे। और पूल बॉइलिंग के विच मेन चीज़ की है देयर इज द एबसेंस ऑफ बल्क फ्लूइड फ्लो। नेक्स्ट साडे कोल है फ्लो बॉइलिंग एंड योर इट इज़ ऑलसो नोन एज फोर्स्ड कन्वैक्शन बॉइलिंग। इस दे विच की है कि जिहड़ा तुहाडा लिक्विड है लिक्विड फ्लो करता पिया है, वो लिक्विड फ्लो क्यों करता है बाय मीनस ऑफ एनी एक्सटरनल मीनस की वजह नाल, या तो असीं इत्थे कोई पंप अटैच किया है या असीं कोई मोटर अटैच की है जिसकी वजह नाल साडा की है लिक्विड फ्लो करता है। और इसते जिहड़ा बॉइलिंग है बॉइलिंग इज कॉल्ड फ्लो बॉइलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ बल्क फ्लूइड फ्लो। पूल बॉइलिंग दे विच साडा एबसेंस ऑफ बल्क फ्लूइड फ्लो एंड फोर्स कन्वैक्शन बॉइलिंग दे विच की है देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ बल्क फ्लूइड फ्लो। इत्थे जिहड़ा तुहाडा फ्लूइड फ्लो कर रहा है मोशन ऑफ द फ्लूइड इज ड्यू टू द नैचुरल कन्वैक्शन एंड हेयर इट इज़ अ फोर्स्ड कन्वैक्शन बॉइलिंग। इत्थे जिहड़ा तुहाडे फ्लूइड दे विच मोशन आउंदी है फ्लूइड मूव कर रहा है इट इज़ बाय द मीन एक्सटरनल मीन सच एज पंप और मोटर। फर्दर तुहाडी पूल बॉइलिंग एंड फ्लो बॉइलिंग टू टाइप्स दे विच डिवाइडेड है, वन इज़ योर सब कूल्ड बॉइलिंग एंड अदर इज़ योर सैचुरेटिड बॉइलिंग। सब कूल्ड बॉइलिंग दे विच की है कि जिहड़ा तुहाडा लिक्विड दा टैंपरेचर है इट विल बी लैस दैन द सैचुरेटिड टैंपरेचर। हुण सपोज करो साडे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर दे विच जिहड़ा लिक्विड है इट इज़ एट द टैंपरेचर ऑफ 80°C, मतलब की है कि वह सैचुरेशन टैंपरेचर दे नालों टैंपरेचर इसका घट है। तो इस दे विच की हुंदा कि सपोज करो हुण साडा इत्थे आपां हीट कर रहे हैं कंटेनर नूं, साडे लिक्विड बबल्स फॉर्म करते हैं, लिक्विड बबल्स की इत्थे डेंसिटी की है घट जाती है तो हौली हौली की है कि जदे वेपर बबल्स इन्हों का ये उपर मूव करते हैं, हुण उपर टैंपरेचर घट है नीचे टैंपरेचर ज़्यादा है, तो टैंपरेचर डिफरेंस की वजह नाल की है कि वेपर्स उपर मूव करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह नाल की है कि वेपर बबल्स की है जब उपर ट्रैवल करते हैं तो इन्हों के साइज के घट होंगे, हौली हौली की है ये वेपर बबल्स कलैप्स कर जाते हैं और कंडेंसेशन हो जाती है। नैक्सट साडा की है सैचुरेटिड बॉइलिंग। सैचुरेटिड बॉइलिंग दे विच की है लिक्विड टैंपरेचर इज स्लाइटली लार्जर दैन द सैचुरेटिड टैंपरेचर और इक्वल टू सैचुरेटिड टैंपरेचर। हुण तुसीं इस कंटेनर दे विच देख रहे हो कि जिहड़ा लिक्विड दा टैंपरेचर है नियर अबाउट उहदे सैचुरेशन टैंपरेचर ते अटेन हो चुक्या, उसनूं अचीव कर चुक्या, तो जिसकी वजह नाल की है बॉयलिंग अकर हो जाती है। वैन द इंटायर लिक्विड बॉडी रीचिज द सैचुरेशन टैंपरेचर द बबल स्टार्ट राइजिंग टू द टॉप and we can see the bubble throughout the bulk of liquid and heat transfer from the liquid to the bubble and they grow in the size and they disappear and boiling occurs।